नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ ज़िले में आज के वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर हम ये कह रहे हैं आर एक्स बाई एक्स इज आइज़ोमॉर्फिक टू आर बाई ए एक्स ये इस थ्योरम का सिर्फ एक हाईलाइट है थ्योरम की जो कम्प्लीट स्टेटमेंट है वो मैं अभी आपको लिखकर बता रही हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हमें रिंग के अंदर दी गई है ए बेसिकली किस तरह का आइडियल है आर की क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ये वाला जो हमारे पास में आइसोमॉर्फिज्म है ये ट्रू होगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टे, स्टेटमेंट से लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी Let A be an ideal of R. Show that Rx by Ax is isomorphic to R by Ax, hence or otherwise, hence or otherwise. Prove or disprove, prove or disprove that A is a prime ideal of R implies Ax is a prime ideal of Rx. थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर हम दो पार्ट्स कवर कर रहे हैं सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को एक बार रीड करती हूँ फिर उसके बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हमें ये दे रखा है कि आर जो है वो एक कॉम्यूनिटेटिव रिंग है जिसकी यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है ए जो है वो एक आइडियल है आर का लेट ए बी एन आइडियल ऑफ आर ऐसे कंडीशन में हमें ये प्रूफ करना है कि आर एक्स बाई एक्स इज आइज़ोमॉर्फिक टू आर बाई ए एक्स इनकी एक एक टर्म को मैं इंडिविजुअली आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली कि ये आपस में क्या हैं ये दोनों आइडेंटिटीज आपस में हैं हैंस और अदरवाइज प्रूव और डिसप्रूव दैट a is a prime ideal of R implies a x is a prime ideal of R x यहाँ पर देखिए वर्ड यूज़ करा हुआ है हैंस और अदरवाइज यानी कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप प्रूफ कर सकते हैं ये वाली चीज़ को या फिर आप कोई और मेथड चाहो तो उससे भी इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो यहाँ पर एक और यहाँ पर लाइन ये दी गई है प्रूव और डिस या तो आप इस चीज़ को प्रूव कीजिए कि अगर ए प्राइम आइडियल है आर का इसका मतलब ए एक्स जो है वो प्राइम आइडियल हो जाएगा आर एक्स का और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको डिसप्रूव कीजिए यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको इसको डिसप्रूव करने के लिए अब मैं इसकी एक एक जो टर्म है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ हमारे पास में आर जो है देखिए वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है With यूनिटी और ए उसका एक आइडियल है तो हमारे पास में ए अगर इसका एक आइडियल है तो आर बाई ए जो है वो एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन रिंग हो जाएगी और आर बाय ए के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स देखिए किस तरह के होंगे हमारे पास में उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं आर प्लस ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर हमारे पास में आर बाय ए के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं अब देखिए ये हमारे पास में क्या है ये एक रिंग है तो आर बाय एक्स ये हमारे पास में क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर बाय ए यह आ गई अब इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे हमारे पास में इसमें हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स ऑफ आर बाय ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर लाइक दिस यानि कि अगर हमारे पास में ये एक एलिमेंट है ए नॉट प्लस ए ये इसका एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गया हम यहाँ पर एलिमेंट्स मानेंगे इस के क्वेश्चन ट्रिंग के और उसको फिर एक्स एक्स स्क्वायर इस तरह से अलग अलग जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एक्स की पावर्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए नॉट प्लस ए प्लस ए वन प्लस ए एक्स प्लस ए टू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस ए एक्स टू दावर एन जहाँ पर एन क्या होगा हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो ये जितने भी ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं उन सब का कलेक्शन हमारे पास में आ जाएगा आर बाय ए एक्स के अंदर अब देखिए हमें मैपिंग जो डिफाइन करनी है हमें आइजोमॉर्फिज़म वो आर एक्स बाय एक्स हमें डिफाइन करना है कि ये दोनों आपस में आइज़ोमॉर्फिक हैं तो हम इसको कंसिडर ना करते हुए सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करेंगे इससे आपको ये हिंट मिल गया होगा कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का हम इनके बीच में क्या कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज़म है इसलिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, आर एक्स बाय कर्नल ऑफ दैट मैपिंग इज आइज़ोमॉर्फिक टू आर बाय ए एक्स और कर्नल हमारे पास में कुछ और नहीं बल्कि ए एक्स आ जाएगा तो हम डिफाइन कर लेते हैं एक मैपिंग डिफाइन अ मैपिंग थीटा फ्रॉम आर एक्स टू आर बाई ए एक्स अब आर एक्स का कोई एलिमेंट क्या होगा एक पॉलिनोमियल एफेक्स अब एफेक्स जो है उसको हम उसके एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं सपोज वो कुछ इस तरह से है एफेक्स ए वन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस ए एम एक्स टू दावर एम ये आ गया अब इसको हम इसके एलिमेंट की तरह हमको लिखना है इस एक्सप्रेशन को तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे ए नॉट प्लस ए प्लस ए वन प्लस ए एक्स प्लस एन सो ऑन प्लस ए एम प्लस ए एक्स टू दावर एम ये आ गया यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा ही कुछ इस तरह से है कि ये इसमें बिलोंग कर जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कि थीटा जो है वो वेल well डिफाइंड है थीटा इज वेल डिफाइंड यहाँ पर हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है कि थीटा एक होमोमॉर्फिज्म है और थीटा एक ऑन टू मैपिंग है तो यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें दोनों होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने होंगे तो हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सन सो ऑन प्लस ए एम एक्स एम और जी एक्स हम ले लेते हैं बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस सन सो ऑन प्लस बी एन एक्स एन जहां पर ये ए एम नॉन जीरो है और ये बी एन नॉन जीरो है हम ये दो एलिमेंट्स ले रहे हैं एफ एक्स डी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स अब हम यहां पर कंसिडर करते हैं एफ एक्स प्लस एक्स तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ए नॉट प्लस बी नाट प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस सो ऑन और एफ एक्स इंटू जी एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा ए नाट बी नॉट प्लस ए नाट बी वन प्लस ए वन बी नॉट एक्स प्लस एन सो वन अब हम चेक करते हैं थीटा ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स और थीटा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स तो अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं थीटा ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स यानी थीटा हम इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास थीटा ऑफ ए नॉट प्लस बी नॉट ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस सन सो ऑन तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए प्लस ए वन प्लस बी वन प्लस ए इन टू एक्स प्लस सैन सो वन तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में ए क्या है आइडियल ऑफ आर तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए प्लस बी नॉट प्लस ए प्लस ए वन प्लस ए प्लस बी वन प्लस ए इंटू एक्स प्लस सन सो ऑन तो ये हम ये वाले जो हमारे पास में एफ एक्स वाले जितने भी कोफिशियंट्स हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं और जी एक्स वाले जितने भी कोफिशंट्स हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं यानी ए नॉट प्लस ए प्लस ए वन प्लस ए इ टू एक्स प्लस ए टू प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सन सो ऑन प्लस बी नॉट प्लस ए प्लस बी वन प्लस ए इंटू एक्स प्लस सन सो ऑन ये हमारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया ये हमारे पास में आ गया एफ एक्स प्लस ए का एक्सप्रेशन प्लस ये हमारे पास में आ गया जी एक्स प्लस ए का एक्सप्रेशन एफ एक्स प्लस ए हमारे पास में क्या आ गया थीटा ऑफ एफ एक्स प्लस थीटा ऑफ जी एक्स तो इस तरह से आपने यहां पर क्या प्रूफ कर दिया है कि थीटा ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एक्स प्लस थीटा ऑफ जी एक्स ये आ गया तो इस तरह से आपने एडिशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म था वो यहां पर प्रूफ कर दिया है सिमिलरली आप यहाँ पर थीटा ऑफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो आप क्या लिख सकते हो थीटा ऑफ एक्स इंटू थीटा ऑफ जी एक्स आप यहाँ पर ये यह चीज प्रूव कर सकते हो देअर फोर थीटा इज अ होमोमॉर्फिज्म तो इस तरह से आपके पास में थीटा क्या आ जाता है एक होमोमॉर्फिज्म आ जाता है लेकिन अभी तक आपका ये जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुआ इसको प्रूफ करने के लिए आपको थीटा को ऑन टू भी प्रूफ करना ज़रूरी है थीटा इज ऑन टू हमारे पास में हम जो मैपिंग है वो डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम आर एक्स टू आर बाय ए एक्स तो यहाँ पर हमें ऑन टू के लिए इसका एक एलिमेंट लेना होगा तो हम ऐसे लिख लेते हैं लेट एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स लिख लेते हैं हम बिलोंग्स टू आर बाई ए एक्स तो हमारे पास में इफेक्ट किस तरह का होगा बी नॉट बार प्लस बी वन बार एक्स प्लस सन सो ऑन प्लस बी के बार एक्स टू पावर के ये हो गया यहाँ पर देखिए जो बी नॉट बार बी वन बार और ये जो बी के बार है ये आर बाई ए के एलिमेंट्स हैं वेयर b not bar b1 bar and so on b k bar belongs to r by a तो so, हमारे पास में b not bar क्या हो गया r by a का एलिमेंट है तो वो होगा b not plus a जहां पर ये b not कहां belong करेगा r के अंदर b1 bar is equal to b1 plus a and so on b k bar is equal to b k plus a जहाँ पर ये जितने भी बी नॉट बी वन बी टू एंड सो ऑन बी के बिलोंग्स टू आ रहा जाता है अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं इन्हीं कोएफिशिएंट्स को कंबाइन करते हुए एक पॉलिनोमियल जी एक्स जहाँ पर हम ये किस तरह से ले रहे हैं बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस बी के एक्स के ये किस में बिलोंग कर जाएगा आर एक्स के अंदर तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो थीटा ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स तो हमारे पास में ये जो एलिमेंट है जो आर एक्स आर बाई ए एक्स का है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है आर एक्स के अंदर एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू आर बाई ए एक्स इज आर्बिटरी ये एक आर्बिटरी एलिमेंट है इसका मतलब कि इसके हरेक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है आर एक्स के अंदर दर फोर थीटा इज ऑन टू तो इससे आपको क्या पता चल गया अब आप पहुंच चुके हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तक दर फोर बाय फंडामेंटल थ्योरम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमोरफिजम आर एक्स बाई कर्नल थीटा इज आइज़ोमॉर्फिक टू आर बाई ए एक्स ये आ जाता है और अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कर्नल थीटा क्या आता है वो बेसिकली हमारे पास में आ जाएगा ए एक्स कर्नल थीटा के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के होंगे एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट थीटा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ़ आर बाई ए एक्स इसके अंदर आ जाएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट थीटा ऑफ एफ एक्स हमारे पास में क्या आ रहा है अगर हम एफ एक्स को ले लेते आ, हम आगे देखेंगे इसमें ये इस लिख लेते हैं जीरो ऑफ आर बाई ए एक्स क्या आता है हमारे पास में जीरो ऑफ आर बाई ए एक्स जो है वो आता है जीरो प्लस ए प्लस जीरो प्लस ए इंटू एक्स प्लस जीरो प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ये हमारे पास में आ जाएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट थीटा ऑफ एफ एक्स एफ एक्स सपोज हमारे पास में है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन प्लस ए टू द पावर सॉरी ए एम एक्स टू दावर एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए प्लस जीरो प्लस ए इंटू एक्स प्लस एन सो ऑन तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट ये थीटा ऑफ ये वाला टर्म हमारे पास में क्या आ गया ए नॉट प्लस ए प्लस ए वन प्लस ए इंटू एक्स प्लस एन सो ऑन इज इक्वल टू जीरो प्लस ए प्लस जीरो प्लस ए इंटू एक्स प्लस एन सो ऑन कोएफिशिएंट वाइज जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए नॉट प्लस ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इसका मतलब ए नॉट जो है वो जीरो हो गया सिमिलरली जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ए वन ए टू ए थ्री ये सबके सब हमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो जीरो मिल जाएंगे इसका मतलब हमें क्या मिल गया देयरफॉर ए आई प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल आई ये आ गया हमारा पास इसका मतलब क्या हो गया अगर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट है उसको जब हम आइडियल के साथ ऐड करते हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए एम्प्लाइज सॉरी ये वाला जो लाइन है आप यहाँ पर इसको ये वाली लाइन गलत हो गई है इसको आप कट कर दीजिए लास्ट वाली जो लाइन है ये वाला इसको आप कट कर दीजिए हमें यहाँ से क्या मिल रहा है ए आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल आई इसका मतलब हमें क्या मिल गया ए आई बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल आई इसका मतलब क्या हुआ एफ एक्स जो है वो किसका एलिमेंट हो गया ए एक्स का देयरफॉर कर्नल ऑफ थीटा हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर ए एक्स therefore R X by A X क्या हो जाएगा आइजोमोरफिक टू R by A X लास्ट वाली लाइन जैसा कि मैंने आपको वो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि अगर हमारे पास में ए आई प्लस ए इज इक्वल टू बी आई प्लस ए है इसका मतलब ए आई इज़ इक्वल टू बी आई ये मैंने लिख दिया है बेसिकली क्या हो जाएगा अगर हमारे पास ए आई प्लस ए इज़ इक्वल टू बी आई प्लस ए होता है इसका मतलब ए आई माइनस बी आई बिलोंग्स टू ए होता है तो ए आई प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए हो गया इसका मतलब ए आई बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल आई तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिल जाता है आर एक्स बाय एक्स इज आइज़ोमॉर्फिक टू आर बाय ए एक्स तो थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे हमारे पास में कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए जो कि प्रूव होता है थ्योरम में हमें ये कहा गया है कि आइदर प्रूव और डिसप्रूव तो मैं यहाँ पर ये यह कह रही हूँ कि येस ये कंडीशन जो है वो होल्ड होती है और उस कंडीशन को प्रूफ मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए करने वाली हूँ नाउ लेट ए बी ओ प्राइम आइडियल ऑफ आर अगर हमारे पास में ए जो है वो आर का प्राइम आइडियल है इसका मतलब क्या हो जाएगा आर ए इज एन इंटीग्रल डोमेन हमने ये थ्योरम प्राइम आइडियल के कॉन्सेप्ट के अंदर कर रखी है तो हमारे पास में आर बाई ए जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी इसका मतलब इसकी जो पॉलिनोमियल रिंग है आर a एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन ये हमने चीज़ कर रखी है कि अगर हमारे पास में रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो उसका जो पॉलिनोमियल रिंग आएगा वो भी इंटीग्रल डोमेन आएगा देअर फोर आर बाई ए एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज अब ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो रहा है बाई प्रीवियस पार्ट ये इसके साथ आइजोमॉर्फिक है तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया एक इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज आर एक्स बाय एक्स इज़ एन इंटीग्रल डोमेन रीज़न क्या है बिकॉज आर एक्स ए एक्स इज आइजोमॉर्फिक टू आर ए एक्स ये आ गया अब हमारे पास में ये एक इंटीग्रल डोमेन आ रहा है इसका मतलब कि ए एक्स जो है वो प्राइम आइडियल आ गया आर एक्स का एक्स इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर एक्स तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल रिंग की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग